इंडियन ऑयल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में गिनी जाती है। इसकी शुरुआत 30 जून 1959 को हुई थी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL भारत सरकार के पोसेसन वाली तेल और गैस खोजकर्ता और निर्माता है। यह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्ट्री भारत सरकार के पोसेसन में है, जिसके हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। 2021 तक दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेशन की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सरकारी कॉरपोरेशन 212वें स्थान पर है। यह सबसे बड़ा सरकारी पोसेसन वाला ऑयल कॉरपोरेशन है। फाइनेंस ईयर 2020-21 में 6.1 अरब डॉलर के प्योर प्रॉफिट के साथ देश में 31 मार्च 2021 तक इंडियन ऑयल के एम्प्लॉयज़ की संख्या 31,648 है, जिसमें से 17,742 एक्सक्यूटिव और 13,876 नॉन एक्सक्यूटिव हैं, जबकि 2,775 महिलाएं हैं, जो कुल वर्कफोर्स का 8.7 है। इंडियन ऑयल के व्यावसायिक हित संपूर्ण हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन को ओवरलैप करते हैं, जिसमें रिफाइनिंग, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, पेट्रोलियम उत्पादों का सेल्स, कच्चे तेल की खोज और उत्पादन, नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं। इंडियन ऑयल की श्रीलंका, मॉरिशस और मिडिल ईस्ट में भी सहायक कंपनियां मौजूद हैं। मई 2018 में IOCL लगातार दूसरे साल भारत का सबसे ज़्यादा फायदेमंद सरकारी कंपनी बन गई। 2017-18 में 21,346 करोड़ के रिकॉर्ड के प्रॉफिट के साथ, इसके बाद भारत सरकार की सेमी, जिसका प्रॉफिट 19,945 करोड़ था। फरवरी 2020 में कंपनी ने साल 2020 में 1,40,000 बैरल प्रतिदिन क्रूड खरीदने के लिए रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के साथ एक समझौते पर साइन किए। जनवरी 2021 में और 26 जनवरी 2021 तक प्रतिदिन 4,10,000 बैरल तेल की बिक्री अब तक के हाईएस्ट लेवल पर दर्ज की गई थी। डेलैक, कतर पेट्रोलियम, सऊदी अरामको, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी के साथ सौदों पर साइन करने के साथ इसके सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार हैं।